ये वो हैं जिनको आपने पहले भी सुना है। So what is the issue? Issue is not all about the stock market is risky. शेयर बाजार से संबंधित उन्होंने आपके सारे मुश्किल सवालों के जवाब दिए। आप हर रोज पेपर में कभी ना कभी पढ़ते होंगे कि एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हो गई, रास्ते में चलते 2 लोगों की मौत हो गई। जी सो रिस्क लाइफ में हर जगह है। अगर हम रिस्क ही देख के कोई भी चीज की शुरुआत नहीं करेंगे तो हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो लाइफ में रिस्क हर एक जगह रहता है, बट आपको उसको कैसे मैनेज करना है वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टॉक मार्केट में भी काफी लोग ट्रेडिंग करते हैं और काफी लोग करना चाहते हैं बट नहीं कर रहे। बाजार के कई अनसुलझे पहलुओं को सुलझाया। आप ऐसा एक सपना देखो जो सपने को आप खुशी में भी उसके लिए उतना ही काम कर सकते हो जितने आप गम में काम कर सकते हो। और मेरा ये मानना है कि जब आप ड्रीम देख लो तो ड्रीम देखने से अकेले काम नहीं होता है। आपको 24 घंटे आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसको कैसे सक्सेसफुल किया जाए उसके बारे में आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, और आपको 24 घंटे यही सोचना पड़ेगा कि वो ड्रीम कैसे पूरा हो सकता है। काफी सारे प्रॉब्लम भी आते हैं दुनिया में, हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, बट आप प्रॉब्लम को कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो मेरा यही कहना है, यहाँ पे जितने भी लोग आज जितने भी देख रहे हैं कि आप लोग ट्रेडिंग में काफी टाइम से ट्राई कर रहे होंगे कि एक साल से कोई कर रहा होगा, कोई 2 साल से कर रहा होगा, कोई 4 साल से कर रहा होगा, किसी को थोड़ा सक्सेस मिला होगा, किसी को थोड़ा सक्सेस नहीं मिला होगा, बट मेरा यही मानना है कि आप प्रोसेस पे फोकस कीजिए। मेरा ये मानना है कि प्रोसेस पर फोकस करने से क्या होता है, आप अपनी प्रोसेस को और मजबूत करते जाते हैं। जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग की जो भी अपनी स्ट्रेटेजीज है, जो भी आपकी स्ट्रेटेजीज जो आपको मार्केट में ट्रेड एंटर करने के लिए चाहिए, एग्जिट करने के लिए चाहिए, और आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जो भी चीजें चाहिए उसको और मजबूत करते जाइए वो प्रोसेस को। सो मेरा ये मानना है कि आपको प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए रेदर देन आउटकम। सो आपने जो बताया कि मेरी इतनी सारी फेलियर, तो मेरा हमेशा फोकस प्रोसेस पे रहता था, नहीं कि आउटकम। सो अल्टीमेटली एक दिन सफलता मिलने वाली। मैं हूं अभिषेक रमन, एक बार फिर से मैं ऐसा ही शो होस्ट करूंगा आपके लिए, फिर से होंगे रूबरू मिस्टर प्रतीक पटेल, वन ऑफ द यंगेस्ट ट्रेडर के साथ 10 जनवरी 2016। बाजार से संबंधित वो सारे सवाल जो आप उनसे पूछना चाहेंगे हमें मेल करें। मेल कैसे करेंगे इसकी जानकारी ईमेल में आपको दे गई है। चलिए मिलते हैं फिर 10 जनवरी 2016 रविवार को, एक ऐसा शो जिसमें आपको मिलेगा ढेर सारा ज्ञान मार्केट से रिलेटेड, शेयर बाजार से रिलेटेड। उसके लिए याद रखें 10 जनवरी 2016 2 बजे दोपहर। लेट्स मेक इंडिया फाइनेंशियली फ्री। आर यू रेडी?